डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का द टॉपिक द प्लेन की एक्सरसाइज 29.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन है। सो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने जो फॉर्मूले वाली मतलब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन के वीडियो को जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो बिफोर यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज इट इज़ बेटर टू सी दैट वीडियो इन विच वी प्रूव्ड और वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से जो ए बी सी इंटरसेप्ट कट करता है उस प्लेन की इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है, और वो फॉर्मूला है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, देर आर ओनली फाइव क्वेश्चन, ओनली फाइव क्वेश्चन है। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, ये वन मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हूज इंटरसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2-3, 4। तो इसका मतलब ए 2 ने दे दिया है, बी को -3 गिवन है और सी 4 गिवन है। सो सिंपली इक्वेशन विल बी एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन -3 प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1। सो इफ इट इज अ वन मार्क्स क्वेश्चन यू मे लीव योर आंसर है ना, यही छोड़ सकते हैं या थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे बाई टेकिंग एलसीएम। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। थ्री पार्ट्स हैं, हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आवर फर्स्ट वन, जहाँ पर इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट। सो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टेंट टर्म 1 होना चाहिए, तो इस 12 को उधर ले जाते हैं। लेट अस राइट लाइक दिस, 4x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 12, और इस 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे सो 4 से कैंसिल होगा 3, नाउ 3 से कैंसिल करेंगे 4, और जब 6 से कैंसिल करेंगे सो 2। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब उसने पूछा है एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट क्या है, सो इट इज 3, वाई से इंटरसेप्ट क्या है 4, और जेड एक्सिस से इंटरसेप्ट 2 है, लेकिन वो नेगेटिव साइड में है। ये माइनस साइन शोज दैट इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवर क्वेश्चन नंबर 3। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई एक्सरसाइज का वीडियो देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, सो बेटर है कि बुक भी साथ में हो, तो आप भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन में देख सकते हैं। इवन वीडियो को पॉज करके, वहां पर पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी गिवन दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। दैट मीन व्हाट इज गिवन टू अस, इट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमें अल्फा बीटा गामा दिया है, ओके। ए एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, सो हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट को ए 0 0, वाई एक्सिस के पॉइंट को 0 बी 0 एंड जेड एक्सिस के पॉइंट को 0 0 सी एज्यूम कर सकते हैं। सो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें आंसर जो निकालना है वो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में आएगा, राइट ना, उसमें ये ए बी सी नहीं आएंगे। और उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ये सेंट्रॉइड, क्योंकि मैं सेंट्रॉइड का ट्रायंगल का सेंट्रॉइड गिवन है, सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। और ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ना, यू नो ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y के लिए लिखेंगे और z के लिए लिखेंगे। सो अगर हम इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेंट्रॉइड क्या होगा, जो ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा गिवन है, सो वो इक्वल हो जाएगा ए प्लस 0 प्लस 0 बाई 3। सो ए बाई 3 इसका मतलब 0 प्लस बी प्लस 0, दैट इज बी बाई 3 एंड सिमिलरली सी बाई 3। सो फेयर हेयर वी कैन से ए जो है वो 3 अल्फा हो गया, बी इज 3 बीटा एंड सी इज 3 गामा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए प्लेन की इक्वेशन में, सो इट विल बी एक्स अपॉन 3 अल्फा प्लस वाई अपॉन 3 बीटा एंड जेड अपॉन 3 गामा इक्वल टू 1।
बहुत ज़्यादा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बुक जैसा आंसर अगर आपको चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच करना चाहिए, सो हम क्या करेंगे, थ्री को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो हियर द आंसर ना, ये हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर फोर भी चेक करते हैं, हियर आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 246, ये इस पॉइंट से पास करता है, पासिंग थ्रू दिस, और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। अब अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी सब इक्वल हो गए, तो प्लेन की इक्वेशन हो जानी चाहिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू वन, और इट इज सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। लेकिन ये 246 से पास कर रहा है ना, द प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसका तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू, इट इज सिंपली पासिंग थ्रू 246, सो देयर फोर 2 + 4 + 6 इक्वल टू ए और ए इक्वल टू 12। वापस हम पुट करेंगे इसमें, सो अवर आंसर इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, सो इट इज अवर क्वेश्चन नंबर फोर। वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन दिस एक्सरसाइज, ए प्लेन मीन्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, अगेन ये क्वेश्चन सेंटर्ड है ट्रायंगल ए बी सी का, इट इज गिवन एज 1 - 2 - 3, राइट, और हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सो अगेन वी शुड स्टार्ट लाइक दिस ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन नंबर थ्री से इसको मैच करिए, क्वेश्चन थ्री में क्या था, सेंट्रोइड अल्फा बीटा गामा था, यहाँ सेंट्रोइड है 1 - 2 - 3, रेस्ट क्वेश्चन सेम है, यानी सिर्फ क्या करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री के सॉल्यूशन में अल्फा की जगह पर 1, बीटा की जगह पर -2 और गामा की जगह पर 3 पुट करके हम इसी तरीके से सॉल्व करते चले आए, सो वी गेट द आंसर, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर में देखा, पुट करके अल्फा की जगह पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, सो एक्स अपॉन 1, बीटा की जगह पर हमने -2 पुट करना है और गामा की जगह पर हमें 3 पुट करना है, एलसीएम विल बी -6 ना, और 6 ले सकते हैं, अगर आप 6 लेंगे तो ये जाएगा 6x - 3y + 2z = 3, 3 ना, इसको इधर ले जाएंगे तो इट विल बी 6x - 3y + 2z = 18। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे, और आपके पास यहाँ अल्फा बीटा गामा ये अननोन की जगह नोन वैल्यूज रहेगी, और इस तरह से सॉल्व करते आएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी 29.2, जिसमें हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन पे बेस क्वेश्चन किए हैं। अगर आप मेरे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ये कोई भी सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन एक ले सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 भी अच्छा है, सो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल, जिस पे आपको प्लस टू रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स मिल रहे होंगे। सो एंजॉय द मैथमेटिक्स, डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डू हार्ड वर्क टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो थैंक यू वेरी मच।